इस साल का प्रॉमिस जो मुझे मिला एडवांस ब्रॉडली टेक ए न्यू ग्राउंड टू एक्सटेंड ए गॉड्स किंगडम. मैं ये सोच रही थी कि परमेश्वर ये प्रॉमिस तो मुझे किस मायने में दे रहा है, किस मतलब से दे रहा है. तब मेरी सहेली ने कहा कि ठीक है अपन मिशन ट्रिप में चलते हैं. मैं उतना कॉन्फिडेंस में नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने ये कहा कि नहीं पहले तू तैयार हो, परमेश्वर वहाँ कार्य करेगा. तो लेकिन मुझे और डिटेल्स चाहिए थे कि मैं सही में तैयार हूँ या नहीं हूँ. फिर मैंने प्रेयर किया और ये पूछा कि मुझे स्पष्ट वचन चाहिए. तो मैं एक मैसेज सुन रही थी तो उसमें परमेश्वर पूरे स्पष्ट वचन से कहा कि जाओ मेरे लोगों को सुसमाचार सुनाओ. तो मैं बोली कि वाह इतना बढ़िया, तूने स्पष्ट रूप से मुझसे कहा और मैं तैयार हूँ. पहली बार ये वाराणसी वहाँ जाकर मैं सिर्फ प्रेयर करने के लिए जा रही कहकर मैंने ये सोच कर गई. फिर वहाँ लोगों से बच्चों से मिलकर ऐसा लगा कि नहीं मेरे को भी पढ़ाना चाहिए और मैं वहाँ पर पढ़ाना शुरू की. ऐसा लगा कि मैं वहाँ पर उन बच्चों को सिखाने नहीं गई थी, मैं खुद सीखने गई थी और परमेश्वर पर किस तरह से निर्भर होना है वो मैंने वहाँ सीखा. मेरे जितनी सहेलियाँ हैं हाउसवाइफ्स हैं मैं यही प्रोत्साहित करना चाहती हूँ कि एज कोई लिमिट नहीं, तुम तैयार हो कि नहीं हो ये परमेश्वर देखता है. अगर तुम तैयार हो तो परमेश्वर अपना कार्य करेगा.